अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेटा एकदम फिट फाट होंगे आप। अच्छा बेटा, हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने टॉलस्टॉय थ्योरम को डिस्कस किया था। उम्मीद है बेटा वो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। आज बेटा जो हमने एप्लीकेशन पढ़नी है बर्नौलीज़ इक्वेशन की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट बेटा हम सब देखते हैं, और देखते हैं बेटा कि क्रिकेट में जो कुछ बॉलर्स होते हैं हवा में बॉल को स्विंग कर देते हैं। एक बॉलर होता है, स्पिनर होता है, बॉल फेंकता है और बैट्समैन को पता नहीं होता कि ये टर्न करेगी आउटवर्ड टर्न करेगी या इनवर्ड टर्न करेगी। इस तरह के बॉलर्स को हम मैजिशियंस भी बोलते हैं, कि कोई वो मैजिक करता है जिसकी वजह से बॉल टर्न हो जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि रोजर फेडरर जो होता है, जब भी वो टेनिस बॉल को हिट करता है तो अक्सर वो क्या करता है, टेनिस बॉल कर्व कर जाती है। ये कैसे होता है? इस तरह टेबल टेनिस में भी कुछ प्लेयर्स होते हैं, वो बॉल को इस तरह से हिट करते हैं कि बॉल कर्व जाती है, सीधी नहीं जाती, और देखने वाला कहता है कि वाह भाई वाह, के मतलब क्या ही कमाल कर दिया इसने। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह समझने के बाद ये तमाम सीक्रेट्स आपको पता चल जाएंगे कि कैसे बॉल को स्विंग किया जाता है। और इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के प्लेन, कितना ज्यादा मैस होता है प्लेन का, कितना वेट होता है, और उसके अलावा इतने पैसेंजर्स उसके ऊपर होते हैं, फिर भी वो क्या करता है, हवा में ट्रैवल कर लेता है। कैसे कर लेता है बेटा? ये तमाम चीजें, ये तमाम सीक्रेट्स बेटा आज का लेक्चर समझने के बाद, आज का लेक्चर करने के बाद इन तमाम चीजों को हम जान पाएंगे। ठीक हो गया बेटा? तो समझते हैं बेटा आज के लेक्चर को। ये बर्नौलीज़ इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है। इसको हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। ठीक है, नोट करें हेडिंग, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। प्रेशर और स्पीड में क्या रिलेशन है? ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा ये टॉपिक, और हमारी इर्द गिर्द की दुनिया में इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसको समझ लेंगे तो दुनिया की मतलब काफी चीजें आपके लिए समझना आसान हो जाएंगी। ठीक हो गया? इसको समझने के लिए बेटा मैं यहां पे एक पाइप ड्रॉ करता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक पाइप है जिसका एरिया डिफरेंट जगहों से डिफरेंट है। ठीक है, ये बेटा मेरे पास एक पाइप है, ये एक पाइप है बेटा, ले जनाब भी एक पाइप आ गया। इसका देखने आपको एरिया जो है नजर आ रहा है बेटा कि डिफरेंट जगहों से इसका एरिया क्या है, डिफरेंट है। ठीक हो गया, ये एरिया है। इसके तीन पोर्शन हमने कर दिए हैं। इस पोर्शन को ए बोल देते हैं, इस पोर्शन को बेटा बी बोल देते हैं, और इस पोर्शन को सी बोल देते हैं। अब इन तीनों पोर्शंस पे एक एक हम प्रेशर गेज लगा देते हैं। प्रेशर गेज क्या होता है? ये वो डिवाइस होती है बेटा जो प्रेशर को मेजर करती है। तो यहां पे बेटा हम प्रेशर गेज लगा देते हैं तीन पॉइंट्स पे। एक यहां पे प्रेशर गेज आ जाएगा, एक बेटा यहां पे प्रेशर गेज आ जाएगा, एक बेटा यहां पे प्रेशर गेज आ जाएगा, ये बेटा प्रेशर गेज आ जाएगा। ठीक है, तीन जगह पे मैंने प्रेशर गेज लगा दिए। यहाँ पे इन प्रेशर गेज पे आपको डिफरेंट रीडिंग्स नजर आ रही होंगी, तो लेट्स सपोज मैं वो रीडिंग्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों होगा देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें से बेटा वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें से बेटा वाटर फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज इसमें वाटर बेटा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। वाटर की डेंसिटी हमें पता है बेटा कितनी होती है, 1000। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वाटर बेटा फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट को बेटा बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, और इस पॉइंट को बेटा बोल देते हैं सी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहां तक हमें बात क्लियर होगी। ये पाइप था अनइवन एरिया का, जिसमें डिफरेंट जगह पे हमने प्रेशर गेज लगाए, और इसमें से क्या फ्लो कर रहा है बेटा, वाटर फ्लो कर रहा है। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है बेटा, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया बेटा? यहां पे बेटा हम सपोज कर लेते हैं, अच्छा चलिए इसकी जो रेफरेंस पॉइंट भी एक ले लेते हैं, ये एक बेटा एक रेफरेंस पॉइंट है। यहां पे इस पॉइंट की जो हाइट है वो कितनी होगी बेटा, इस पॉइंट की हाइट होगी, इसको कह देते हैं एच ए। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे लिया, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी हाइट होगी, सॉरी इसकी हाइट होगी
एच डी ठीक हो गया। हम सेंट्रल पॉइंट से बेटा हाइट लेते हैं। अब देखें ये हाइट एच ए और एच बी, ये दोनों हाइट्स क्या है बेटा, इक्वल है। एच ए इज इक्वल टू एच बी, ठीक है, दोनों की हाइट क्या बेटा इक्वल हो गई। यहां पे बेटा सपोज कर लेते हैं जो फ्लूइड की स्पीड है वो वी ए है। क्या है बेटा, स्पीड वी ए है यहां पे फ्लूइड की स्पीड, और यहां पे स्पीड है वी बी, ठीक हो गया बेटा। अब इन दो पॉइंट्स पे बेटा हमने बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करना है। बर्नौली इक्वेशन बेटा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा बाय बर्नौली इक्वेशन, बाय बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, बर्नौली की इक्वेशन को बेटा अप्लाई करते हैं। क्या कहती है बेटा बर्नौली इक्वेशन, सम ऑफ प्रेशर यहां पे बेटा और यहां पे हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहां पे सम ऑफ प्रेशर यानी के पी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी यानी के हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मींस रो जी एच ए विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर एट दिस पॉइंट मींस पी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी मींस रो वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मींस रो जी एच बी, ठीक हो गया बेटा। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बेटा देखें एच वन और एच ए और एच टू एच बी की हाइट्स क्या है, सेम, यानी के एच ए इक्वल है एच बी के, सेम हाइट्स पे है बेटा फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे बेटा ये रो जी एच ए और रो जी एच बी, राइट साइड पे ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो दो क्वांटिटीज बेटा जो इक्वल हो और इक्वालिटी की ऑपोजिट साइड्स पे हो तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, सिंपल सा रूल है मैथमेटिक्स का। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, लेट्स हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी पी ए प्लस वन बाय टू रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस वन बाय टू रो वी बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा बेटा हम प्रेशर का डिफरेंस देखना चाहते हैं एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हम प्रेशर का क्या देखना चाहते हैं बेटा, डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो बेटा क्या करें, प्रेशर को ये पी बी को इस तरफ ले जाए और ये जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है इसको इस तरफ ले जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेटा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू वन बाय टू रो वी बी स्क्वेयर माइनस वन बाय टू रो वी ए स्क्वेयर, ठीक हो गया बेटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया प्रेशर डिफरेंस का एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। अच्छा बेटा इन दोनों में से देखें वन बाय टू रो कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं पी बी, वन बाय टू रो कॉमन आ गया, ये बन गया वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए का स्क्वेयर, ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये प्रेशर डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, इसकी वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले बेटा एक छोटी सी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एग्जांपल लेनी है। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, प्रेशर और एरिया ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है बेटा, प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा प्रेशर और एरिया और स्पीड, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम होगी और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। तो बेटा देखें यहां से मुझे आप देख के बताएं ए पॉइंट पे एरिया ज्यादा है या बी पॉइंट पे एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बेटा कहां पे एरिया ज्यादा है, ए पॉइंट पे एरिया ज्यादा है, तो यहां पे स्पीड क्या होगी, कम, यानी कि बी ए बी बी से क्या होगी, कम होगी। तो बी ए को हम ले लेते हैं, बी ए हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकेंड और वी बी को हम ले लेते हैं, ये चूंकि ज्यादा होगी यहां पे एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, इसको ले लेते हैं 2.0 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी क्या है बेटा, चूंकि ये जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो डेंसिटी है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बेटा ये तीनों वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, इन तीनों वैल्यूज को बेटा अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस का पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000 द डेंसिटी ऑफ वाटर इन टू वी बी मीन्स 2² माइनस 0.2². ठीक है, इनको बेटा जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वेयर करके आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा, इंशाल्लाह आपका आंसर आएगा 1980। यूनिट क्या आ जाएंगे बेटा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है तो यूनिट आ जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अगर मैं यहां से आपको कहूं कि बताएं प्रेशर ए ज्यादा है, एट पॉइंट ए ज्यादा है या बी पॉइंट पे ज्यादा है, तो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो बताने में। तो हम क्या करते हैं बेटा, पी बी को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू 1980 प्लस पी बी, यानी कि पी बी पे जो भी प्रेशर है, बी पॉइंट पे जो भी प्रेशर है बेटा, उसमें आप 1980 ऐड करेंगे तो प्रेशर कौन सा आएगा, ए पे आएगा। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है बेटा, प्रेशर एट पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट बी। स्पीड क्या थी, किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा थी, स्पीड पॉइंट बी पे ज्यादा थी, स्पीड पॉइंट बी पे ज्यादा थी एज कंपेयर टू पॉइंट ए। तो बेटा देखें, जिस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा थी, जिस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा थी उस पॉइंट पे प्रेशर क्या आया, कम आया, और जिस पॉइंट पे स्पीड कम थी वहां पे प्रेशर क्या आया, ज्यादा आया। तो यही बेटा बर्नौली इक्वेशन की बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, और जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हम इस स्टेटमेंट को बेटा लिख लेते हैं, प्रेशर विल बी हाई या स्पीड विल बी हाई, विल बी हाई, ठीक हो गया, स्पीड विल बी हाई वेयर वेयर प्रेशर इज लो। जहां पे प्रेशर लो होगा बेटा वहां पे स्पीड क्या होगी, हाई होगी। बेटा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। सेम इसी तरह बेटा ये स्टेटमेंट इन्हीं वर्ड्स के साथ आपको एमसीक्यूज में भी पूछ ली जाती है कि स्पीड विल बी हाई वेयर प्रेशर विल बी लो। ठीक हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड, इसी स्टेटमेंट को बेटा यूज करके इंसानों ने दुनिया में काफी चीजों को बनाया हुआ है, काफी चीजें अप्लाई की हुई हैं इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए, बर्नौली इक्वेशन से जो हमें मिली है, वेयर स्पीड विल बी हाई वेयर प्रेशर विल इज लो। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसकी बेटा इसी स्टेटमेंट की हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कहां कहां यूज हो रही है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्विंग इन अ बॉल, कि बॉल में स्विंग कैसे होती है। एक बॉलर बॉल फेंकता है, वो अपेरेंटली तो सीधी फेंक रहा होता है लेकिन बॉल क्या हो जाती है, कर्व चली जाती है। या इसी तरह एक टेनिस प्लेयर जब बॉल को हिट करता है तो वो कैसे कर्व हो जाती है, इसी तरह टेबल टेनिस प्लेयर जब बॉल को हिट करता है तो वो कैसे स्विंग हो जाती है। ठीक है, ये तमाम चीजें बेटा इसी स्टेटमेंट की एप्लीकेशन है। ठीक हो गया, तो हम डिस्कस करते हैं स्विंग इन अ बॉल, कि एक बॉल में कैसे स्विंग जनरेट होती है, स्विंग इन अ बॉल। तो ये आपकी बेटा एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो अगर हम यहां से समझ लेंगे तो वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, स्विंग इन बॉल। दो तरह से बेटा समझाऊंगा इस चीज को, हमारे पास लेट्स सपोज एक बॉल है, ये बॉल है, थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं इसको, ये बॉल है हमारे पास, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, ये बॉल है, इस बॉल को सपोज करें एक बॉलर ने स्पिन करके फेंका है, या एक टेनिस प्लेयर ने इसको हिट किया है और ये स्पिन करती जा रही है, और इसकी जो स्पिनिंग है वो सपोज कर लेते हैं बेटा क्लॉकवाइज स्पिनिंग है इसकी, ये इसकी स्पिन है क्लॉकवाइज, तो ऊपर से बेटा इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऊपर से इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी और नीचे से इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी स्पिन की। ठीक है, ये क्या बेटा, स्पिन, स्पिन होगी ये। अच्छा, अब यहां पे जो फ्लो हमारा फ्लूड होगा वो एयर होगी, एयर सपोज कर लेते हैं, एयर की डायरेक्शन बेटा इस तरफ है, ये एयर की डायरेक्शन है, ये एयर मूव कर रही है,
यहां पे बेटा एयर क्या कर रही है, ये मूव कर रही है, ये क्या है एयर फ्लो। अब बेटा जो एयर फ्लो ऊपर होगा वही एयर फ्लो डायरेक्शन नीचे होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर जो एयर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और नीचे एयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऐसा तो नहीं होता। एक ही जगह पे एयर का फ्लो दो डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता। तो अगर यहां पे एयर फ्लो इस डायरेक्शन में है तो यहां पे भी एयर फ्लो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे भी एयर फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए होगा क्या बेटा, अपर पॉइंट देखें यहां पे स्पिन, बॉल की स्पिन और एयर फ्लो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे जब ये सेम डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, सपोर्ट करेंगे। जब ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बॉल की स्पीड यहां पे बढ़ नहीं जाएगी क्या, यहां से ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो बॉल की स्पीड यहां पे क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपर पॉइंट पे क्या होना है बेटा, चूंकि बॉल की स्पिन और एयर का फ्लो की डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। लोअर पॉइंट पे क्या होगा, लोअर पॉइंट पे बेटा स्पिन इस डायरेक्शन में है और एयर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। नीचे बेटा स्पिन बॉल का स्पिन और एयर फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन थे जिसकी वजह से स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, यहां पे स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो जहां पे बेटा स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम, तो यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहां पे स्पीड डिक्रीज कर गई है, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या होगा बेटा, इस बॉल को लो प्रेशर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, यानी कि इस बॉल पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, और बॉल ये जो पहले सीधा जाना चाह रही थी, ये बॉल क्या करना चाह रही थी, सीधा जाना चाह रही थी, ये बॉल सीधा नहीं जाएगी बल्कि ये बॉल क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, और जो बैट्समैन होगा वो डिसीव हो जाएगा कि वो समझ रहा होगा बॉल सीधी आएगी, लेकिन इस फिनोमिना की वजह से, बर्नौली सिक्वेयर के फिनोमिना की वजह से बॉल क्या हो जाएगी, कर्व, बॉल ने सीधा जाना था लेकिन बॉल स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगी, स्विंग की वजह से बॉल क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, और बैट्समैन क्या हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा, ठीक है। और देखने वाला कहेगा कि शायद ये इसने कोई मैजिक कर दिया है, और उस बॉलर को नॉर्मली हमारे कमेंटेटर जो हमारी आवाम क्या कहती है, मैजिशियंस कहती हैं, हालांकि वहां पे हो क्या रहा होता है, कोई मैजिक नहीं हो रहा बल्कि सिंपल फ्लूइड डायनामिक्स ही अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी चीज को बेटा एक और तरीके से भी समझते हैं, आपने देखा होगा कि जो बॉलर होते हैं और उसके साथ जो फील्डर खड़ा होता है, ठीक है, मिड ऑन पे जो फील्डर खड़ा होता है बॉलर के साथ साथ, जो कि बॉलर को बॉल पास करके देता है, कीपर से बॉल कलेक्ट करता है और बॉलर को पास करके देता है, वो बॉल की एक साइड को देखता है और उसको शाइन करने की कोशिश करता है, उसको शाइन करने की कोशिश करता है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक बॉल है, वो करता क्या बेटा फील्डर या बॉलर, बॉल की एक साइड को शाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। कभी सोचा आपने वो दूसरी साइड को शाइन क्यों नहीं करता, तो बेटा उसके लिए भी वहां पे भी वो मतलब बर्नौली सिक्वेयर की एक एप्लीकेशन हो रही होती है, फ्लूइड डायनामिक्स ही अप्लाई कर रहा होता है, हालांकि बॉलर को शायद इस चीज का ना पता हो लेकिन वहां पे एप्लीकेशन बर्नौली सिक्वेयर की ही हो रही होती है। वो एक साइड को शाइन करता है, सपोज करें ये शाइनी सरफेस है, ठीक है, और ये क्या है, रफ सरफेस। अच्छा, अब जो शाइनी सरफेस होगी वहां पे बेटा एयर का फ्लो बहुत ही क्या होगा, फास्ट होगा, एयर का फ्लो फास्ट होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा, ठीक हो गया, स्पीड होगी ज्यादा, प्रेशर क्या होगा, कम। जो रफ सरफेस है वहां से एयर को ट्रेवल फ्लो करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, जिससे बेटा एयर का फ्लो क्या हो जाएगा, कम होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये शाइनी सरफेस जो होती है बेटा, शाइनी सरफेस की तरफ क्या होगा, बॉल पे एक फोर्स लगेगी और बॉल क्या हो जाएगी, स्विंग हो जाएगी, बॉल स्ट्रेट जा रही होगी लेकिन हवा में ही क्या हो जाएगी बेटा, स्विंग हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स स्विंग। जो बैट्समैन होते हैं उनको समझाया जाता है, बैटिंग कोचेज उनको समझाते हैं कि रिवर्स स्विंग के केस में जो शाइनी सरफेस होती है उस पर नजर रखनी है, क्योंकि शाइनी सरफेस डिसाइड कर रही होती है कि बॉल किस साइड पे
स्विंग की साइड पे कर्व होगी, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन बेटा, इसमें बॉल स्पिन हो रही है, यहाँ पे बॉल स्विंग हो रही है, दोनों केसेस में बेटा क्या हो रहा है कि बर्नौली इक्वेशन फ्लूइड डायनेमिक्स अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। इसी तरह बेटा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की और फ्लूइड डायनेमिक्स की, वो है लिफ्ट इन प्लेन, लिफ्ट इन एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन में जो लिफ्ट आती है, लिफ्ट क्या होती है बेटा, एक ऐसी फोर्स होती है जो प्लेन को अपर डायरेक्शन में पुल करती है, अपर डायरेक्शन में क्या करती है, पुल करती है, ठीक हो गया। ये कैसे होती है बेटा, ये लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होती है प्लेन में, जो कि इतने बड़े प्लेन को जितना जिसका वेट इतना ज्यादा होता है और इवन उसके ऊपर पैसेंजर भी होते हैं, फिर भी वो किस तरह हवा में ट्रेवल कर लेता है बेटा, वहां पे भी फ्लूइड डायनेमिक्स का रोल होता है, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास एक प्लेन है, ये लेट सपोज एक प्लेन है हमारे पास, ये एक प्लेन है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन खैर ये एक प्लेन है। यहां पे बेटा प्लेन के क्या होते हैं विंग्स, प्लेन के विंग्स को एयर फॉल्स पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे लेट सपोज एयर फॉल्स है, ये एयर फॉल की एक खास किस्म की बेटा एयर फॉल की क्या होती है शेप होती है, ये एयर फॉल है, इस तरह का होता है, ठीक है, एयरफॉल की शेप, जो परिंदों के जैसे पर नहीं होते तकरीबन, उस तरह की एयरफॉल की हम शेप बनाते हैं जिसकी वजह से ये प्लेन उड़ता है। ये बेटा हमारे पास क्या है, एयरफॉल। अब बेटा इस एयरफॉल की शेप को गौर से देखें, नीचे से ये जो एयरफॉल की शेप है ये स्ट्रेट है, ऊपर से क्या है कर्व, तो ऊपर पे सरफेस एरिया क्या है ज्यादा, नीचे से सरफेस एरिया क्या है कम, ठीक है। इसको एक पर्पस भी हमने इस तरह का बनाया होता है, ठीक है। क्या होगा बेटा, ऊपर एरिया जो कि ज्यादा है तो एयर फॉल जो एयर होगी, एयर को ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा तो एयर की स्पीड क्या होगी ऊपर ज्यादा, नीचे जो कि एरिया कम है तो एयर ने कम एरिया कवर करना है, ठीक है, कम एरिया ट्रेवल करना है तो नीचे स्पीड क्या होगी बेटा कम होगी। तो ऊपर जो कि बेटा कर्व है, ज्यादा एरिया कवर होने से एयर की स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा, एयर की स्पीड क्या होगी ऊपर ज्यादा, एक खास किस्म की शेप बनाई होती है एयरफॉल की जिसकी वजह से ऊपर बेटा स्पीड क्या होगी ज्यादा और नीचे स्पीड क्या होगी बेटा, नीचे स्पीड होगी कम, क्योंकि नीचे एरिया कम है, एयर स्लो ट्रेवल करेगी, ये एयर स्लो ट्रेवल करेगी, तो ऊपर स्पीड ज्यादा है बेटा, ऊपर प्रेशर क्या होगा, ऊपर स्पीड ज्यादा है, ऊपर प्रेशर क्या होगा कम, और नीचे स्पीड क्या है बेटा कम और प्रेशर क्या होगा शाबाश ज्यादा, ठीक हो गया बेटा। तो जिसकी वजह से प्लेन को एक लिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट क्या होती है अपवर्ड फोर्स, प्लेन को एक लिफ्ट मिलेगी जिसकी वजह से प्लेन क्या करेगा अपवर्ड स्मूथली बेटा क्या करता जाएगा, ये लिफ्ट उसको मिलेगी जिसकी वजह से प्लेन स्मूथली क्या करता जाएगा बेटा एयर में ट्रेवल करता जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो लिफ्ट इन एरोप्लेन थी बेटा, ये भी एक एप्लीकेशन थी बर्नौली इक्वेशन की। इसी तरह बेटा आपकी बुक में दो बोर्ड्स की एग्जांपल भी दी गई है, उम्मीद करता हूं वो भी आपको समझ आ चुकी होगी अब तक कि वो दो बोर्ड्स एक दूसरे की तरफ ड्रैग क्यों हो जाती है। ये दो बोर्ड्स है, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ अगर चल रही हो तो एक दूसरे की तरफ ड्रैग क्यों हो जाती है। तो दरमियान में बेटा क्या होता है, दरमियान में स्पीड ज्यादा हो जाती है, प्रेशर क्या हो जाता है कम, स्पीड ज्यादा हो जाती है, और आउटसाइड बेटा स्पीड क्या होती है कम और प्रेशर क्या होता है ज्यादा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स मिलती है। तो ये भी आपको इंशाल्लाह कवर हो चुकी होगी, ठीक है, समझ आ चुकी होगी। इसी तरह कार्बोरेटर की एग्जांपल है, उसकी फिल्टर की एग्जांपल है बेटा आपकी बुक में, तो वो भी आपने देख लेनी है। ये चीज आपको समझ आ गया बेटा तो वो भी इंशाल्लाह आपको, अब उम्मीद करता हूं कि वो भी समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी आपने उनको बेटा पढ़ना है। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम कुछ आती है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि आप इंशाल्लाह उसको कर लेंगे क्योंकि ये चीज आपने डिटेल के साथ समझ ली है, ठीक हो गया। तो बेटा ये एप्लीकेशंस थी बर्नौली इक्वेशन की। एक और एप्लीकेशन है, छोटी सी क्या एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, विंचौरी रिलेशन या विंचौरी मीटर, ठीक है, छोटा सा बेटा बड़ा इजी सा है, वो आपने खुद कर लेना है। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ब्लड फ्लो के बारे में, वो भी बेटा बड़ा ही मतलब इजी टॉपिक है, जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ज्यादा इजी है, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी इजी ही लगेगा। आपने उसको रीड आउट कर लेना, इतना ज्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें उसमें लिखी है, आपने उनको बेटा रीड कर लेना है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे बता देना है, मैं वो भी करवा दूंगा।
तो बेटा हमारा जो चैप्टर है उसका थ्योरी का जो पोर्शन है वो सारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हमारे बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स को कवर करना है और न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।